नमस्कार दोस्तों, सिंह होम्यो लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रात में नींद में बच्चों का बिस्तर में पेशाब हो जाना। जी हाँ दोस्तों, बिस्तर में पेशाब हो जाना। बच्चे जानबूझकर बिस्तर में पेशाब नहीं करते हैं दोस्तों, उनका पेशाब खुद ब खुद हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। वो बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं और सपनों में उन्हें लगता है कि वो टॉयलेट रूम में पेशाब कर रहे हैं। दोस्तों, पेट में जोक या वर्म होने की वजह से भी या मानसिक दुर्बलता की वजह से भी उन्हें इस तरह की समस्या बनी रहती है या होते रहती है। दोस्तों, बच्चे जब रात में पेशाब जिस समय करते हैं उस समय वह बहुत गहरी नींद में होते हैं। अगर आप उन्हें जगाते जाएं, रात में जगाएंगे भी उस वक्त, तो वो बिल्कुल जगेंगे नहीं। दोस्तों, बच्चों को रात का खाना उनके सोने से 2 घंटे पहले ही खिलाएं और सुलाने से पहले उन्हें पेशाब जरूर करा दें और रात में बीच बीच में उठाकर एक दो बार पेशाब भी करा दें। दोस्तों, साथ ही अगर आप होम्योपैथी की 2 दवा लगातार 3 माह तक अपने बच्चों को खिलाते हैं तो आपका बच्चा इस रात में पेशाब करने की समस्या से मुक्ति पा जाएगा और यह रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दवा का नाम नोट कर लीजिए। पहला दवा का नाम है क्रियोजोटम 200 पावर। इस दवा को 2 बूंद सुबह में और 2 बूंद शाम में आधा चम्मच पानी में डालकर बच्चे को खाली पेट में पिलाना है। दोस्तों, दवा नंबर 2 इक्विजेटम 6 पावर। इस दवा को 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम आधा चम्मच पानी में डालकर पिलाएं, खाली पेट पिलाएं। दोनों दवाओं के बीच 5 मिनट का अंतर रखें। दोस्तों, ये दोनों दवा लगातार 3 महीना यदि बच्चा पी लेता है तो पेशाब की समस्या जो रात में उसे होती है नींद में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए। कोई आपका सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।